हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन टू द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। दोस्तों, आज की रेसिपी है ब्लैक चिकपी करी या काले चने की करी। ये बहुत ही हेल्थी और न्यूट्रिशियस माना जाता है। तो चलिए, इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ ब्लैक चिकपी, सॉल्ट टेस्ट अनुसार, ऑयल 4 टीस्पून्स, रोस्टेड जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज एक लिया है हमने, ड्राई रेड चिली एक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, हरा धनिया पत्ती और एक टमाटर। आप फिर भी इस इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब हमने एक कुकर लिया है और ऐड किया है 4 छोटी चम्मच ऑयल यानी कि तेल। अब हमने ऐड किया है ऑनियन जो कि बारीक कट करके रखा था हमने, और एक ड्राई रेड चिली ऐड किया है। साइड में थोड़े से 1 टीस्पून जीरा डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा जीरा जो है अच्छे से स्प्लिट हो जाए। हमारा जीरा अच्छे से स्प्लिट हो चुकी है, तो चलिए इन सभी को मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चम्मच। इसे अच्छे से पकने दीजिए यानी कि कुक होने दीजिए। अब हम ले रहे हैं टमाटर, 1 टमाटर हमने कट करके रख लिया था। इसे भी अच्छे से स्टिर कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, रोस्टेड जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करें सॉल्ट, आप टेस्ट अनुसार ले सकते हैं। हमने ऐड किया है 1 छोटी चम्मच नमक, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बिना विजिल लगाए कुकर को कवर कर लेंगे यानी कि कुकर के लिड को। इसी तरह से एक स्टिर लगाएंगे हमारे मसालों में। और अब ऐड करेंगे हमारी ब्लैक चिकपी, काले चने जो कि हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था। ये हमने 250 ग्राम्स लिया है, इसे भी इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से हम बिना विजिल के कुकर का लिड बंद कर लेंगे। कुकर का लिड खोलकर फिर से अच्छे से स्टिर करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसमें वाटर लेंगे। इसी ग्लास से हमने वाटर को मेजर किया है और ऐड किया है 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब हम कुकर का लिड बंद करके विजिल लगा देंगे और 5 यानी कि 5 विजिल्स आने तक रुकेंगे। इस पर आप मीडियम फ्लेम रखिए,
5 विजल के बाद हमारा करी जो है इस तरह दिखने लगेगा। आप इस करी को चपाती फुलका के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा करी जो है अच्छे से कुक हो चुका है, तो चलिए थोड़ी सी हरे धनिए पत्ती के साथ गार्निश कर देंगे। और एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।